नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के मौजूदा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद उन्हें रांची के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब रांची के पल्स अस्पताल में 7 दिन से ज्यादा रहने के बाद दोनों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। जी हाँ, मंगलवार की रात को दोनों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। आपको बता दें, दोनों कोरोना की चपेट में साथ ही आए थे, जिसके बाद उन्हें रांची में स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोनों को ठीक होने में 1 सप्ताह का समय लगा। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। बता दें, धोनी के पिता पान सिंह और उनकी माता देव की बरियातू रोड स्थित पल्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। अस्पताल ने बताया था कि उनकी हालात ठीक है, उनका ऑक्सीजन लेवल भी ठीक था, संक्रमण फेफड़ों तक नहीं पहुंचा था। आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि 21 अप्रैल को रांची के एक प्राइवेट अस्पताल में हुई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 8 दिनों तक उनका इलाज चला। आपको बता दें, इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग्स ने भी उनकी स्वास्थ्य को लेकर अपडेट दी थी और कहा था कि टीम लगातार उनके स्वास्थ्य पर अपडेट बनाए हुई है। आपको बता दें, इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स शानदार फॉर्म में चल रही है और पिछले 6 मैचेस में वो लगातार 5 मैच जीतकर टेबल के टॉप पर बनी हुई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।